दिल्ली में पानी की कमी के लिए कौन जिम्मेदार? उपराज्यपाल ने लिखा सीएम केजरीवाल को खुला पत्र। पानी को लेकर शुरू हुआ लेटर वॉर। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बार यह जंग दिल्ली में पानी के संकट को लेकर हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर दिल्ली में पानी की समस्या के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा कि सरकार के मंत्रियों को अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराने की आदत सी हो गई है। उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें खुला पत्र लिखना पड़ा क्योंकि मौजूदा समय की परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने खुले पत्र में कई मीडिया रिपोर्टर्स का भी जिक्र करते हुए कहा कि किस तरीके से पिछले 9 साल में पानी के क्राइसिस को लेकर राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी हैं। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में पानी के विवाद में महिला की हत्या हुई है। एलजी ने पत्र में लिखा कि पानी को लेकर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसके लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। विनय कुमार सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा कि आम आदमी पार्टी के मंत्री आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी देने का भ्रम पैदा किया। पानी की कमी को लेकर जल मंत्री अतीशी ने जो आरोप अधिकारियों पर लगाए कि पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, दरअसल अपर्याप्त जल आपूर्ति को अतीशी ने बताकर अपने ही सरकार को दोषी ठहराया है जो दिल्ली में 9 साल से सत्ता में है। एलजी ने पत्र में कहा कि दिल्ली विधानसभा में आप सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पिछले दशक में वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता 906 MGD से बढ़कर 946 MGD की गई, जो सिर्फ 4.4% की मामूली बढ़त है, जबकि इसी दौरान जनसंख्या में 15% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई में लगभग 290 MGD की कमी है। कुल सप्लाई का 120 MGD पानी जमीन से निकाला जाता है। उन्होंने सीएम को लिखा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि 16 रैनी वेल में से 5 काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की बड़ी संख्या में ट्यूबवेल भी खराब है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान रिसाव को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। बता दें, पिछले दिनों पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में पानी को लेकर लड़ाई के चलते एक महिला की मौत हुई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार की जल मंत्री अतीशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर जल बोर्ड के CEO को हटाने की मांग की थी। इस पर प्लेटफॉर्म करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह पत्र लिखा। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सच्चदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली को फुल टाइम जल मंत्री चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। पिछले 9 साल में 6 मंत्री बदले गए हैं, लेकिन एक भी मंत्री दिल्ली की खराब जल स्थिति को ठीक नहीं कर पाया है। खुद मुख्यमंत्री भी इस पद को संभाल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पानी की कमी को लेकर अतीत में भी ऐसी कई घटनाएं सरकार की विफलता के कारण ही हुई हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि जल आपूर्ति की समस्या को दूर करने के बजाय आपने और आपके मंत्रियों ने मुफ्त पानी की कपोल कल्पना रची है। उपराज्यपाल ने पत्र में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि संदर्भ में अपनी तरह का एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि पानी की कमी को लेकर पहले भी ऐसी कई घटनाएं मुख्य रूप से सरकार की विफलता के कारण हुई हैं। ऐसे उदाहरण साल दर साल आ रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं पत्र के साथ कुछ समाचार कतरनों को भी संलग्न कर रहा हूँ। पत्र में उन्होंने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर से भी कम है। इनमें से कई बस्तियों में दिन में मुश्किल से आधे घंटे पानी की आपूर्ति होती है। कुछ मामले में वैकल्पिक दिनों में की जाती है। उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली में 7% घरों यानी औसतन 20 लाख लोगों को अभी भी पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं मिलती है। दिल्ली जल बोर्ड की लोन के और बजाय दानेदारी 73,000 करोड़ रुपए है। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।